आगे गया, हमने कोर्ट से उतना ही टाइम आगे मांगा बराबर, तो उसमें जो तारीख है हम तो उसके ऊपर बंधे हुए बराबर। आपको अगर आगे का चाहे तारीख चाहिए तो ये पॉलिसी मैटर हो जाए, आप रिप्रेजेंट करिए, हम आगे भेजेंगे या आप भी डायरेक्ट अंधेरी को अंधेरी ऑफिस में डायरेक्ट जाके मिल सकते हैं, तो निवेदन दे सकते हैं। उसके ऊपर जो पॉलिसी डिसीजन आएगा तो उसके इम्प्लीमेंटेशन ही होगा ना, आप क्योंकि ये कोर्ट का मामला है, उसमें एफिडेविट दिया जाए नहीं, क्योंकि वो पर ऐसा है तो सब अकोमोडेट हो गया। कोर्ट में तो 30 तारीख ही दिया पहले पहले दिन 8 या 10 इतने आ रहे लोगों ने, जिनके पास है उन्होंने भी कुछ ये नहीं लिया इंटरेस्ट नहीं। अभी हम हमारे लोग लगाते हैं उनको करते हैं लोगों को पता ही नहीं कि क्या हो रहा है, नोटिस पढ़ोगे हमारे पास जो भी आया उसको हमने ऐड होना चाहिए लोगों में, ऐड हुआ नहीं। नहीं नहीं, ये नोटिस भी तक खतरनाक है, 25 साल से रहता है वो पड़ेगा उसको तो अटैक आ जाएगा कि यार ये मेरा घर तोड़ने वाले हैं। वो भी नहीं, अगर देखो ना सर जिस हिसाब से भेजा है ना, इफ वी सी द लीगल टर्म वो है ऑफिसर असाइंड कैन बी सू बिकॉज ऑफ वो लीगल है महाराष्ट्र जी आते और वो आपने उसको नोटिस दिया। आप लोग का हेतु में समझ में आता है कि इसलिए भेजा कि उनको डराने को कि और जल्दी आके डॉक्यूमेंट जमा करो, ये अंडरस्टैंड बट ये नहीं नहीं यू कैन क्लेम एनी वन इज इलीगल दूसरी बात जो मागे सुधा दोन नोटिस आ गए अपन उसमें और उल्टा हम लोग थोड़ा चेंज करते हैं, वो जो हिसाब जो प्रोफॉर्मा है 15 अक्टूबर तक का ये ऐसा हुआ था जी, घूमते हैं ना कोई आई कार्ड नहीं है जो आपके आपसे घूमते ना नाम देने के लिए, ये हम लोग आई कार्ड या तो किसी को लेटर देते ना देखा नहीं है डेट है कुछ, नेवर इसी का क्या नहीं सर, वो प्रोसीजर जो था ना पहली जो 2019 गई है वो हमने मैन्युअली लिया, इसके बाद में हम समझ रहा हूँ मैं, देखिए कोई नहीं समझ रहा हूँ, आया हूँ मैं क्या, वो एक होना चाहिए बिकॉज क्या है कुछ बिल्डर हुए कुछ बिल्डर्स भी इंटरेस्टेड है और उन लोग ने भी ऐसा डॉक्यूमेंट क्या हुआ है राकेश भाई, वो कुछ पॉलिटिशियन लोग ना वो लेके आते साथ हम दिखाते हम दिखाते हैं वो घूमते हैं, बाद में क्या होता है वो पक्ष कर रहा है पक्ष कर रहा है लोगों बात नहीं चलती थी, भेजो आई कार्ड या उनका जो उनका बेस्ट है उनको देख के भेजना चाहिए डॉक्यूमेंट लेटर कॉपी है, अभी तक नहीं दिया, अभी तक नहीं दिया है उनके हाथ में नहीं है आज अभी तो जागरूक हो रहे तो इंडिया का वही प्रॉब्लम है, लास्ट डेट पूछता है सब लोग, फर्स्ट डेट को ही पूछता है। ठीक है, एक बात है महाजन साहब, हम लोग 15 अक्टूबर तक ये जमा करते हैं, सेकेंड वॉट एवर यू आर गोइंग टू पुट अप, बट ये देखो 2000 से पहले जितने भी लोग हैं दे आर प्रोटेक्टेड अंडर द लॉ, तो उनके ऊपर अन्याय नहीं होना चाहिए, यही मांग है। बाकी 2000 के बाद के ऊपर आपको कार्रवाई जो कानून में है उस करो, उसके लिए कोई हम लोग मान्य नहीं करेंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, ये निवेदन थैंक यू।
एमआईडीसी ने 25,800 के आसपास झोपड़पट्टियों को नोटिस दिया था कि 1 अक्टूबर तक अगर आप खाली नहीं करते तो हमारा बुलडोजर चलेगा और आप लोगों का नुकसान होगा, तो जो भी नुकसान होगा उसका जिम्मेदारी आप खुद है। तो थाना के हमारे जितने भी एकता दी पावर ऑफ यूथ कमेटी के यूनिट अध्यक्ष हैं हमारे, उन्होंने दिया था विकास के एमआर और उन्होंने ये सभी लोग जितने भी आज आए हैं मोर्चा में आपने देखा इनके साथ दस्तावेज सभी लोग 95 और 2000 के पहले थे, तो महाराष्ट्र जीआर के हिसाब से ये लीगल है, इनको कोई नहीं रोक सकता। वही बात हमने आज एग्जीक्यूटिव इंजीनियर सिर सागर और महाजन जी से भी किया, उनको बताया ये लोग सभी इनके ऊपर कोई भी कार्रवाई हम होने नहीं देंगे और इनका जो भी घर इतने सालों से जो 25-30 साल से आकर जोड़ने और हमारा पूरा टीम दीवार की जैसे उनके सामने खड़ा है। अभी हमारा बात हो चुका है, अभी तो उन्होंने एमआईडीसी ने हमको आश्वासन दिया कि 1 तारीख का जो उनका तोड़ने का वो पीछे लेते हैं, ये जनता थाना की जो जनता है जो लोग रोड पे होती है उनकी जीत है, हमारे जितने भी यूनिट अध्यक्ष हैं उनकी भी जीत है, लोगों की जीत हुई है कि वो सब इकट्ठा हुए और इनका विरोध किया है। दूसरी चीज़ है 15 अक्टूबर तक 15 अक्टूबर तक का डेट दिया है कि सभी डॉक्यूमेंट जितने भी लोग 95-2000 के पहले के जमा करें ताकि एमआईडीसी भी अपना काम शुरू करे, उनको भी पता चले कि कौन लीगल है कौन नहीं और आगे का कार्रवाई। तोड़ने का जो भी है वो तो